हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट पे। मैं हूं दोस्तों मोहित सिंह रावत, और यहां पे दोस्तों जो हमारी हिंदी का जो क्रैश कोर्स है, हिंदी का क्रैश कोर्स फॉरेस्ट गार्ड के लिए, पुलिस के लिए, बंदी रक्षा के लिए, सभी एग्जाम के लिए, तो उसका यहां पे छठा दिन है। और यहां पे पहले हिंदी क्रैश कोर्स के तहत जो हम आपके सामने ला रहे हैं हिंदी का पंचनामा, इन पांचों टॉपिक को आपके सामने डिस्कस कराते हैं। पहला जो हमारा टारगेट है दोस्तों यहां पे, कि जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ये जो आपको जितने भी शब्द दिखाई दे रहे हैं, जितने भी टॉपिक दिखाई दे रहे हैं, हर टॉपिक से एक ना एक प्रश्न आपको आने वाले हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन आपको विदेशी भाषा से पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन आपको पर्यायवाची शब्द से पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन आपको शुद्ध, फिर तत्सम, और फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द से। तो देखिए दोस्तों, इन सभी टॉपिक से एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा, एक एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा, और पांच प्रश्न यहां से टोटल आपको एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पहले हमारा टारगेट है वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको लगभग 100 के आसपास करा दें, और फिर तत्सम तद्भव की बात करें तो 100 और 150 के आसपास जो सबसे इंपॉर्टेंट जो शब्द है वह आपको करवाएं। फिर ऐसे ही शुद्ध शब्द आपको कराने हैं 100 के आसपास, पर्यायवाची शब्द 40-50 के आसपास, और विदेशी भाषा के जो शब्द है लगभग सभी आपको करवाने हैं। तो दोस्तों हमने ये आपकी क्लास है और ये आपको लेनी है, लेकिन क्लास शुरू करते हैं उससे पहले थोड़ा कुछ डिस्कस कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों। जैसे कि हमारी क्लास ये नहीं आई कल परसों से, कि जो यह है डे 9 वाली 5000 एमसीक्यूज की। देखिए दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोशिश करते हैं कि आपको अच्छा कंटेंट दे, लेकिन कई बार ये होता है कि कोशिश होती है लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाती है। होता है, हर बार होता है। जैसे ये वाली क्लास थी, हमने परसों रिकॉर्ड की थी लेकिन नहीं हो पाई। कारण ये था दोस्तों कि देखिए, जब हम बनाते हैं ना, जो वीडियो बनाते हैं, तो क्या होता है कि कई बार टेक्निकल इश्यू आ जाते हैं। टेक्निकल इश्यू ऐसा कि देखिए, जब हम ये वीडियो बना रहे थे तो एक दो बार हमने इसे रिकॉर्ड किया। पहली बार हमने एक घंटे की पूरी क्लास रिकॉर्ड कर दी, लेकिन एक घंटे के रिकॉर्ड करने के बाद जब हमने इसे सेव करने की कोशिश की तो फाइल सेव ही नहीं हुई। तो जो एक घंटे की मेहनत थी वो प्योर बर्बाद हो गई। फिर हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, एक बार दोबारा से रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर हमने दोबारा से रिकॉर्ड किया, लेकिन जब रिकॉर्ड करना शुरू किया तो फिर उसके साथ हाइसिंग साउंड आने लग गई, और फिर उस साउंड की वजह से जो कल की क्लास है वह भी नहीं ले पाए। हिंदी वाली जो क्लास है, हमने दो बार रिकॉर्ड करने की कोशिश की कि शायद अब आवाज़ जो है वो सही हो जाएगी, लेकिन पीछे जो हाइसिंग साउंड आती है वो बहुत ज़्यादा आने लग गई थी। तो हमें लगा शायद माइक खराब हो गया होगा, तो हमने थोड़ा माइक भी चेंज किया, लेकिन फिर भी वही स्थिति। फिर बहुत टाइम बाद जब लगभग 20-25 वीडियो हमने YouTube में देखे कि इसे कैसे प्रॉब्लम को दूर करें, तब जाके पता चला कि यह तो क्या है कि लैपटॉप की इंटरनल प्रॉब्लम है, और इसे क्या करना पड़ेगा कि सेटिंग के द्वारा सही करना पड़ेगा। फिर बड़ी मुश्किल से सेटिंग सही हुई, यही टाइम लगता है। तो देखिए दोस्तों, हो जाती है कभी कभी ऐसी गलती। तो यकीन मानिए दोस्तों, हम आपके लिए जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है उसके लिए प्रतिबद्ध हैं, और आपको गारंटी देते हैं कि 50 क्लास मिनिमम आपको जो आपका फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम है इससे पहले आपको प्रोवाइड कराएंगे। और ऐसे ही लगभग जो 50 सेट है आपको यहां पर जो हिंदी का है वो भी आपको फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम से पहले पहले कराएंगे। तो ये हिंदी की क्लास लाने के लिए जो हमारी ये सीरीज चल रही है, और 5000 एमसीक्यूज की जो सीरीज चल रही है, तो इसके लिए दोस्तों हम प्रतिबद्ध हैं। हम आपके लिए ये 50 क्लास फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम से पहले पहले देकर ही रहेंगे। भले ही हमें बाद में अगर नजदीक आ जाता है एग्जाम तो दो दो क्लास देनी पड़े तो भी हम देंगे। तो 50 क्लासेस हमें आपको पूरी करानी है फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम से पहले पहले आपको करवानी है। तो हो जाती है कभी कभी दोस्तों एक्सटर्नल प्रॉब्लम हो जाती है, इंटरनल प्रॉब्लम हो जाती है, तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा, और हो सके दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर भी कीजिएगा जिससे हमें सपोर्ट मिल पाए। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की अपनी क्लास, बहुत बोल दिया हमने यहाँ पे, तो आज की बात करते हैं हमारी हिंदी की क्लास है, और इसे मैं रब कर लेता हूँ यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, हमने जो पंचनामा का जो पाठ है उसके हमने आपको 5 पार्ट कराने हैं। तो पहला जो पार्ट है वह है पर्यायवाची शब्द, और पर्यायवाची शब्द में पहला क्वेश्चन आपको पूछा है कि सही समूह कौन सा है। देखिए यहां पर जो आपको ये सभी शब्द दिखाई दे रहे हैं, इनमें से एक समूह ऐसा है जिसके पर्यायवाची सब सेम है और बाकी सभी अलग है, तो आपको बताना है कौन सा समूह एकदम सही है। ऑप्शन आपके पास है ए, बी, सी और डी। देखिए, उल्लू, कौशिक, परेवा, पंक, कीच और कीर, समुद्र, रत्नाकर, नीरद और यमुना, रविजा और अंकजा। तो बताइए जरा कि इसमें से कौन सा सही शब्द होगा। तो बताइए दोस्तों कौन सा इसमें सही शब्द होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी पर, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपके पास है उल्लू, कौशिक और परिवा। तो देखिए, उल्लू का मतलब तो उल्लू ही हो गया, है ना, जिसे उल्लूक हिंदी में कहते हैं, तत्सम शब्द के रूप में कहते हैं उल्लूक। और फिर जो कौशिक है,
कोशिका मतलब भी उल्लूवी होता है यानी उलूक होता है। तो ये दोनों तो सेम है, लेकिन दोस्तों यहां पे जो आपको परिवा दिखाई दे रहा है ना, ये परिवा उल्लू का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये परिवा जो है ये किसका पर्यायवाची शब्द है? ये जो पर्यायवाची शब्द है ये आपको मिलेगा कबूतर का। किसका है? कबूतर का। तो परिवा किसका पर्यायवाची शब्द है? कबूतर का है। तो परिवा किसका है? कबूतर का है। कोशिक किसका है? उल्लू का है। और यहीं पर आपको कबूतर के कुछ और पर्यायवाची शब्द पूछे जाए तो आपको ध्यान रखना है, कबूतर को पारावृत्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारावृत्त। तो पारावृत्त किसे कहते हैं? कबूतर को कहते हैं। इसके अलावा रक्त लोचन जो काफी बार पूछा भी जा चुका है, रक्त लोचन, रक्त लोचन किसका नाम है? रक्त लोचन जो पर्यायवाची शब्द है यह भी परिवा यानी कबूतर का ही पर्यायवाची शब्द है। तो कबूतर के आपको यह जो तीन पर्यायवाची शब्द है आपको याद करने हैं, परिवा, पारावृत्त और रक्त लोचन। तो तीन याद हो गए होंगे, कोशिक का मतलब आपको पता चल गया होगा। अब बात करते हैं इस ऑप्शन नंबर सी पर। तो सी देखिए दोस्तों, यह है पंख, कीच और कीर। पंख, कीच और कीर, पंख, कीच और कीर। तो बताइए जरा इसमें से कौन सा अलग होगा? तो बताइए दोस्तों, यह तो गलत है, 100% गलत है। तो कौन सा गलत है? तो यहां पे आपको बताता हूं, जो ऑप्शन नंबर जो आपको ये सी दिखाई दे रहा है यानी जो कीर है, देखिए पंख का मतलब होता है कीचड़, कीच का मतलब होता है कीचड़, लेकिन जो आपको कीर दिखाई दे रहा है ना, कीर का मतलब होता है तोता। क्या होता है? तोता। तो तोता का पर्यायवाची शब्द है कीर, तोता का पर्यायवाची शब्द है कीर। और यहीं पर अगर तोता का और पर्यायवाची शब्द आपको पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है शुक हो गया, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है सुग्गा हो गया। देखिए शुक हो गया, शुग्गा हो गया, और कहीं पर अगर आपको दिखे कि सुअटा हो गया, क्या हो गया? सुअटा। तो ये जो पर्यायवाची शब्द हैं ये सभी किसके हैं? तोते के पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहां पे आपने इन दोनों के पर्यायवाची शब्द याद कर लिए। तो आई होप दोस्तों ये चीजें आपको याद हो गई होंगी। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर जो आपको सी दिखाई दे रहा है और बी दिखाई दे रहा है, और यहां पर हमने पेन का कलर भी अब चेंज कर दिया है। देखिए समुद्र, रत्नाकर और नीरद, तो इसमें से कौन सा होगा जरा बताइए, जरा कौन सा अलग है? तो समझ गए होंगे आप। तो ऑप्शन जो आपको यहां पे ये दिखाई दे रहा है नीरद, ये अलग है। अब देखिए दोस्तों एक चीज मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं, वैसे बहुत से स्टूडेंट को मालूम होगा, फिर भी एक रिवाइज के तौर पे देखिए, एक शब्द होता है दा और एक शब्द होता है धी, एक शब्द होता है दा और एक शब्द होता है धी। जहां पर आपको दा शब्द पीछे दिखाई दे और कहीं पर आपको धी शब्द पीछे दिखाई दे, तो दा शब्द से मतलब होगा देने के अर्थ में, दा का अर्थ देने के संदर्भ में, और धी का अर्थ है धारण करने के संदर्भ में। दा का अर्थ देने के संदर्भ में, धी का अर्थ धारण करने के संदर्भ में। तो यहां पर देखिए जहां पर भी आपको दा प्रत्यय कुछ ऐसा दिखाई दे तो मैक्सिमम चांस आपको मिलेंगे कि वह किसके पर्यायवाची शब्द होंगे? वह बादल के पर्यायवाची शब्द होंगे। तो नीरद की बात करें तो नीरद कहते हैं बादल को। किसे कहते हैं? बादल को। तो नीरद कहते हैं बादल को। अब एक चीज मैं आपको कहूंगा दोस्तों, एक पर्यायवाची शब्द है जल का पर्यायवाची शब्द। अगर आपने जल के पर्यायवाची शब्द याद कर लिए, ध्यान रखना जल के पर्यायवाची शब्द आपने याद कर लिए, तो आप बादल के पर्यायवाची शब्द, इसके अलावा कमल के पर्यायवाची शब्द और इसके अलावा जो समुद्र का पर्यायवाची शब्द है आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, क्योंकि जल से ही ये सभी बनते हैं। तो देखिए आपको अभी समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे ये हो गया बादल, अब यहां पे मैं लिख लेता हूं जलद। क्या लिख लेता हूं? जलद। अब आप सभी समझते हैं जल का मतलब होता है पानी, यानी जल हो गया, और हमने पीछे क्या जोड़ दिया? दाह जोड़ दिया। तो इसका मतलब जल में दाह, यानी जल देने वाला, जल देने वाला कौन देगा? जल कौन देता है? ऊपर से बादल देते हैं। तो बादल इसका पर्यायवाची शब्द हो गया। अब यहां पे मैं एक चीज और देता हूं, यहां पे जैसे यहां पे लिख दिया मैंने, यहां पे लिख लेता हूं दोस्तों मैं कुछ और लिख लेता हूं, जैसे यहां पे लिख लेता मैं वारिद। क्या लिख लेता हूं? वारिद। अब देखिए वारी कहते हैं जल को। अगर आपको मालूम है कि वारी हम जल को कहते हैं तब आपको पता चल जाएगा वारिद यानी जल का पर्यायवाची है। तो दा जुड़ गया यानी ये भी बादल का हो गया। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है जलद, वारिद हो गया, अबद हो गया, ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द है? बादल के पर्यायवाची शब्द है। और यहीं पर देखिए दोस्तों, यहीं पर अगर हम बात करते हैं, जैसे कि यहीं पर अगर मैं यहां पर ऐसा लिख लेता हूं, जैसे यहां पर लिख लेता मैं जलद की जगह में मैंने जलधि लिख दिया। क्या लिख दिया? जलधि। देखो जलधि हो गया, और यहीं पर मैंने वारिधि की जगह में, यह वारिद की जगह में वारिधि लिख दिया। तो देखिए वारी का मतलब जल, जल का मतलब जल, और धी हमने जोड़ा तो इसका मतलब किसका पर्यायवाची शब्द हो गया? इसका मतलब जो ये पर्यायवाची शब्द हो गया, ये समुद्र का पर्यायवाची शब्द हो गया। किसका पर्यायवाची शब्द हो गया? समुद्र का पर्यायवाची शब्द हो गया। तो समझने की कोशिश कीजिएगा, धी जहां पे आपको पड़ते दिखाई दे तो मतलब आप समुद्र की ओर जाना, और दा पड़ते आपको कहीं पे दिखाई दे, दा शब्द लास्ट में आपको दिखाई दे तो आप बादल की ओर जाना, और आपको अगर जल के पर्यायवाची शब्द याद हो गए तो आप सभी के पर्यायवाची शब्द याद आराम से कर सकते हो।
तो देखिए दा, धी और जा, इन तीनों से ध्यान रखना। अगर जल के पर्यायवाची शब्द में ये तीनों शब्द आपको पीछे दिखाई देते हैं, जल के पर्यायवाची शब्द में अगर आपको जा दिखाई देता है पीछे, तो जैसे जलज हो गया तो ये कमल का हो जाएगा, है ना, जलज तो कमल का हो गया। अगर धी दिखाई दे तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा समुद्र का। और यहीं पर दा जुड़ाई दे तो यहां पर समझ जाना वो किसका हो जाएगा, वह हो जाएगा किसका, बादल का हो जाएगा। और फिर यहां पर जैसे समुद्र है, देखिए समुद्र के मैं आपको कुछ और भी कराता हूं जैसे आपको समझ जाएगा। जैसे यहां पर देखिए, जैसे यहां पर लिख दिया मैंने जलधि वर्धि तो ऊपर लिख दिया, अब यहां पर मैं लिख लेता हूं नीरधि, क्या लिख लेता हूं नीरधि। तो नीर आप समझते हैं, नीर किसे कहते हैं, पानी को कहते हैं, और धि हमने जोड़ दिया तो इसका मतलब किसका हो गया, ये किसका हो गया, समुद्र का पर्यायवाची शब्द हो गया। फिर यहीं पर अगर मैंने कुछ और लिख दिया, जैसे यहां पे लिख दिया मैंने अवधि लिख दिया, क्या लिख दिया अवधि। तो देखिए दोस्तों अवधि की बात करें, यहां पे मैं अवधि लिख लेता हूं अवधि, अगर आप समझ ना पा रहे यहां पे साफ साफ लिख लेता हूं मैं अवधि, ऐसा लिखा जाता है अवधि। अब अब मतलब होता है जल, और फिर धी धी का मतलब हो गया धारण करने वाला, यानी कौन सा हो गया, यह भी समुद्र का हो गया। फिर यहीं पर अगर मैं लिख लेता हूं पयोधि, पयोधी, तो धी से आप आसानी से पता कर दोगे कि ये किसका पर्यायवाची शब्द है, इसी का है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ऐसे आप आसानी से पता कर सकते हो समुद्र के पर्यायवाची शब्द। तो यहां तक ये हो गया। फिर एक चीज देखिए, जैसे यहां पे है रत्नाकर, रत्नाकर, रत्नाकर क्यों कहा गया है, रत्न, रत्न यानी जो रत्न होते हैं मणि वगैरह जो भी हो गया, आकर ये आकर से मिलकर बना है, यानी घर से मिलकर बना है। तो रत्नों का घर किसे कहते हैं, समुद्र को कहते हैं, वहां सबसे ज्यादा समुद्र में रत्न पाए जाते हैं, तो यहां से आप कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही है, यमुना, रबीजा, अंकजा, यह पर्यायवाची शब्द बिल्कुल सही है। तो देखिए दोस्तों, यमुना, रविजा, अंकजा, यमुना कहते हैं भगवान सूर्य की बेटी का नाम, यमुना किसका है, भगवान सूर्य की बेटी का नाम। देखिए यहां पे हम आपको केवल एक पर्यायवाची शब्द नहीं करवा रहे, कम से कम अगर यहां पे जितने भी ऑप्शन है उसके हिसाब से आपको पर्यायवाची शब्द करा रहे हैं, कम से कम 6-7 आपको एक दिन में पर्यायवाची शब्द आपको याद कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए अब यमुना के समझे, यमुना कहते हैं भगवान सूर्य की पुत्री का नाम, यानी भगवान सूर्य की पुत्री का जो नाम है वह है यमुना, क्या नाम है यमुना। तो भगवान सूर्य के जितने भी पर्यायवाची शब्द होंगे, आप यहां पर देखिए जितने भी भगवान सूर्य के पर्यायवाची शब्द होंगे या फिर सूर्य के जितने भी पर्यायवाची शब्द होंगे उसके पीछे आपने पुत्री शब्द जोड़ दिया या फिर जा शब्द जोड़ दिया तो वो किसको इंगित करेंगे, यमुना की ओर इंगित करेंगे। जैसे यहां पे है भानु है, अब यहां पे मैंने जा जोड़ दिया, जा का मतलब होता है पुत्री, यानी बड़ी जा ना, ये जा, ये वाला जा नहीं, ये वाला जा, इस जा की बात कर रहे हैं। जैसे यहां पे लिख दिया मैंने, यहां पे लिख दिया मैंने भानुजा, क्या लिख लिया, भानुजा। अब यहां पे भानुजा लिख दिया तो इसका मतलब कौन हो गया, यमुना हो गया। यहीं पर अर्क है, अर्क के पीछे मैंने जा लगा दिया तो अर्कजा, यानी कौन हो गया, यमुना हो गया। तो ऐसे में आप पर्यायवाची शब्द याद कर सकते हो। यहां पर आप मृग के भी देख सकते हैं, जैसे कुरंग, सारंग, चमरी, हरिण, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां से आपको सूर्य के पर्यायवाची शब्द भी याद होने चाहिए। सूर्य के पर्यायवाची शब्द में है एक सविता, सविता किसे कहते हैं, सूर्य भगवान का नाम है। भानु तो सभी जानते हैं, दिवाकर, दिवाकर यानी दिख, कर का मतलब होता है किरण, कर का मतलब होता है किरण, और दिवाकर यानी दिन की किरण। अर्क, सहस्त्रकर यानी हजार किरण, किसकी होती है, सूर्य भगवान की। भास्कर, भा कहते हैं चमक को, कर यानी फिर किरण, तो चमक की किरण कौन सी हो गई, भास्कर। तो मार्तंड तो आप सभी ने जाना होगा और बृहस्पति से भी आप समझ सकते हैं, बृहस्पति यानी देखिए भा यानी चमक, पति यानी स्वामी, चमक का स्वामी तो कौन होगा, सूर्य भगवान होंगे। और फिर यहीं से मार्तंड की बात करें तो मार्तंड किसका है, सूर्य भगवान का है। तो देखिए अगर हम किसी को कुछ समझकर याद करने की कोशिश करते हैं तो वह चीज हमें जल्दी याद होती है। तो आपको यहां पर कोशिश यही है। और मृग के पर्यायवाची कुरंग, ये यूकेएससी ने पूछा है, सारंग भी पूछा है, चमरी भी पूछा है, देखिए चमरी तो पता नहीं लेकिन सारंग, कुरंग यूकेएससी ने पूछे हैं। और हरिण तो यहां पे आता है, जो शुद्ध उच्चारण होता है ना दोस्तों, शुद्ध उच्चारण, क्योंकि हरिण ऐसा ही लिखा जाता है। और कहीं पर अगर आपको ऐसा दिखाई दे कि ये हिरण वगैरह, तो ये गलत होता है क्योंकि ये अशुद्ध है, शुद्ध हरिण ऐसा लिखा जाता है, ये तत्सम तद्भव के रूप में आता है। तो हरिण कहा जाता है शुद्ध उच्चारण में, हिरण गलत होता है, तो यहां पे शुद्ध रूप में लिखा दिया। तो पर्यायवाची शब्द ये हो गए। तो देखिए दोस्तों, पार्ट वन हो गया। देखिए दोस्तों, अगर हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो मेहनत है वो कठिन से कठिन हो, तब हमें मजा भी आएगा जब हमारा सिलेक्शन होगा। जिस दिन आप मेहनत करोगे, आप कठिन परिश्रम करोगे, देखोगे और जब आप पढ़ के जाओगे और फिर जब आप एग्जाम में बैठोगे और समझोगे कि हाँ यार ये मैंने पढ़ा है, तो कितना अच्छा लगता है उस समय कि हाँ ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, देखते हैं यार इस बार तो सिलेक्शन हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाता है। कई बार एक्सटर्नल केसेस हो जाते हैं, जैसे वीडियो वीपीडियो में हुआ, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, कुछ ही टाइम ऐसा होता है और उसकी भी जांच चल रही है। जल्दी उम्मीद है कि इसका जो सही निर्णय है वो सामने आएगा सबके, लेकिन मेहनत तो करनी है और अच्छे ढंग से करनी है, और जितनी जोर से, जितनी ज्यादा हो सकती है उतनी ज्यादा करनी है। तो फिलहाल अब बात करते हैं तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव।
अब देखिए दोस्तों, यहां पे आपको हम करा रहे हैं सोल्ला तत्सम तद्भव याद करा रहे हैं, सोल्ला तत्सम तद्भव आपको यहां पे हमें याद कराने हैं। तो यहां पे ये है, आपको तत्सम शब्द का चयन करना है और आप बताइए इन सभी में, पहले प्रश्न नंबर एक की बात करते हैं तो यहां पे बताइए जरा कि प्रश्न एक में कौन सा सही है, यानी प्योर तत्सम शब्द कौन सा है, बाकी सभी तद्भव है, केवल एक तत्सम है। तत्सम यानी वह शब्द जो डायरेक्ट संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, जो शुद्ध शब्द है, और तद्भव यानी जो बाद में विकृत हुए हैं, जो बाद में परिवर्तन हुए हैं और जो अशुद्ध हैं। तो बताइए जरा कौन सा शुद्ध होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर की बात करें तो आपको मिलेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपको डी दिखाई दे रहा है, यानी पीपल। देखिए पीपल लिखा है, पीपल बिल्कुल शुद्ध शब्द है, पीपल तत्सम शब्द है। जो पीपल होता है ना, पीपल, ये वाला पीपल, ये पीपल अशुद्ध शब्द है, यानी ये तद्भव शब्द है। ये क्या है? तद्भव शब्द है, ये तद्भव शब्द है। जो पीपल है वो अशुद्ध शब्द है, पीपल जो है वो शुद्ध शब्द है। तो ध्यान रखना, आगिंदा इस क्वेश्चन को बिल्कुल मत भूलना, पीपल ऐसा लिखा जाता है। अब देखिए पुष की बात करते हैं, तो पुष अशुद्ध शब्द है यानी तद्भव शब्द है, और इसे जो शुद्ध लिखा जाता है वो ऐसा लिखा जाता है, पोष में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? पोष लिखा जाता है, पोष। और पत्थर की बात करें तो यह यूकेशसी ने पूछा था, पत्थर कई बार पूछा गया और इसे कहा जाता है प्रस्तर, प्रस्तर, पत्थर नहीं प्रस्तर, पत्थर नहीं प्रस्तर। और प्यास की बात करें तो प्यास कहते हैं पिपाशा को, किसे कहते हैं? पिपाशा। तो पिपाशा यानी प्यास। तो समझ गए होंगे इन चारों को आप, प्यास का पिपाशा, पत्थर का प्रस्तर, पुष का पोष और पीपल का पिपल। तो ये सभी क्या है? तत्सम शब्द हैं। अब यहां पे दूसरा क्वेश्चन है कि इमली, कमल, ऊन और कुठार। तो दोस्तों जरा इसका आंसर बताइए कि इसमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। आप शायद कंफ्यूज होंगे, वैसे तो मुझे जहां तक लगता है कि आप लगभग जो कंफ्यूज होंगे वो दो जगह होंगे, जो मुझे पर्सनली लगता है, एक होंगे आप कमल पे और एक होंगे आप कुठार पे, क्योंकि मुझे खुद लगता है, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। तो बताइए जरा आप कहां पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा शब्द तत्सम है, कुठार, कंवल, ऊन या फिर इमली। तो बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो डी है, ये बिल्कुल सही है। कुठार ऐसा ही लिखा जाता है, यानी कुठार तत्सम शब्द है, और इसका जो तद्भव शब्द है यानी जो अशुद्ध शब्द है वो होता है कुल्हाड़ या कुल्हाड़ा या फिर जो कुल्हाड़ी होता है, ये अतम शब्द है यानी अशुद्ध शब्द है यानी तद्भव शब्द है। और यहीं पर अगर हम इमली की बात करें तो इमली को लिखते हैं अम्लिका, क्या लिखते हैं? अम्लिका। तो अम्लिका शुद्ध शब्द है। कंवल की बात करें तो कंवल कहते हैं कमल को, कमल शुद्ध शब्द है। और ऊन की बात करें तो ऊन को लिखते हैं ऊना, क्या लिखते हैं? ऊना। तो यहां से आपको ये जो आटो के आटो शब्द है याद हो चुके होंगे। तो ऊन का ऊना, कंवल का कमल, इमली का अम्लिका और कुल्हाड़ा का कुठार। तो ये सभी तत्सम शब्द ये भी याद हो गए होंगे। फिर बात करते हैं तीसरे नंबर पर, तो बताइए जरा दोस्तों इसका क्या होगा कि कपड़ा, केकड़ा, काढ़ा और कुक्षी, इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो तत्सम शब्द है। तो कौन सा शब्द है जरा बताइए, जरा कौन सा होगा? कपड़ा, केपड़ा, केकड़ा, फिर काढ़ा और कुक्षी। तो कौन सा सही होगा, जरा आंसर दीजिए क्या होगा इसका। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है आपको मिलेगा जो ऑप्शन नंबर जो डी है, यानी कुक्षी, बिल्कुल सही है। कुक्षी तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव है वह है कोख, क्या है? कोख। तो कोख होता है, कोख की बात करें तो यह तद्भव शब्द है, और कुक्ष की बात करें तो यह तत्सम शब्द है। और यहीं पर दोस्तों अगर बात करते हैं जैसे और ऑप्शन की, तो देखिए जो कपड़ा है ना, कपड़ा को लिखा जाता है करपट, करपट, करपट। तो ध्यान रखना, करपट किसे लिखा जाता है? कपड़े को लिखा जाता है शुद्ध रूप में। और केकड़ा की बात करें तो केकड़ा को लिखा जाता है करकट, देखो करकट, करपट, ध्यान रखना। और काढ़ा की बात करें तो काढ़ा आपको ध्यान रखना है, इसे कहते हैं क्वाथ, क्या कहते हैं? क्वाथ। तो क्वाथ होता है काढ़ा, है ना, और करकट होता है केकड़ा, और करपट होता है कपड़ा। तो तत्सम तद्भव ध्यान रखना, तत्सम कौन सा है? करपट तत्सम है, करकट तत्सम है, क्वाथ तत्सम है और कुक्षी तत्सम है। तो क्वेश्चन नंबर तीन हो गया। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चार पे तत्सम तद्भव की, और इसका आंसर बताइए जरा कि शींग, श्राप, हीरा और पर्यंग, कौन सा इसमें शुद्ध शब्द है यानी तत्सम शब्द है। तो बताइए जरा कौन सा तत्सम शब्द है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर आपको मिलेगा, ये मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी पर्यंग। तो यहाँ पे तत्सम तद्भव वाले जो भी हैं, तत्सम शब्द है, सभी क्या ऑप्शन डी ही हमने चुने हैं। और होता है ना कभी कभी यूकेएससी या फिर कोई भी एग्जामिनर क्या करता है कि ए ए ए ए इसे सही कर देता है आंसर की में, है ना। तो ऐसा आप इसका आंसर बताइए कि जैसे तो आपने देख लिया कि यहाँ पे पर्यंग इसका आंसर है, तो पर्यंग तो हो गया तत्सम, तो इसका तद्भव क्या होता है? इसका तद्भव होता है पलंग। तो पलंग को कहते हैं पर्यंग, हीरा को कहते हैं हीरक, क्या कहते हैं? हीरक। और शाप की बात करें दोस्तों, तो ध्यान रखना शाप को शाप लिखा जाता है, ऐसा लिखा जाता है, शाप, शाप यानी ये शाप। तो ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि श्राप से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। और सिंग की बात करें तो सिंग को लिखा जाता है श्रृंग, तो क्या लिखा जाता है? श्रृंग। तो यह हो गया तत्सम तद्भव और पंचनामा का पार्ट टू।
फिर बात करते हैं पंचनामक के पार्ट थ्री पे, और इसका आंसर दोस्तों आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बताइए जरा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, जैसे यह है कि वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, वह स्त्री जिसका पति परदेश जाने को हो, आने को हो, आने वाला हो, और वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो, और वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो। देखिए एक जैसे शब्द रखे हैं, एक जैसे शब्द, और यह एक जैसे शब्द आपको कंफ्यूज करते हैं, तो कंफ्यूज ना हो, सभी एक जैसे शब्द आपको सामने रख लिए हैं और यहीं पर इसे समझने की कोशिश करें। तो पहला है कि वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, इसे क्या कहेंगे? देखिए जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे जो कहते हैं वो कहते हैं आगत पतिका, परदेश से लौटा हो आगत पतिका। अब परदेश से लौटने वाला हो यानी आने वाला हो तो उस स्त्री को क्या कहते हैं? उस स्त्री को कहते हैं आगमिष्यत पतिका। ध्यान रखना दोनों में थोड़ा सा अंतर है और कंफ्यूज आपको हो सकता है। ऑप्शन में आपको जब एग्जाम में आएगा ना तो ऑप्शन में आपको आगत पतिका भी देगा, आगमिष्यत पतिका भी देगा, प्रेषित पतिका भी देगा, और यहां पे कुछ और भी दे सकता है। तो ध्यान रखना कि वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो यानी आ गया है उसे कहते हैं आगत पतिका, और वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसे कहते हैं आगमिष्यत पतिका। तो आगत पतिका, आगमिष्यत पतिका, दोनों क्लियर हो गए। फिर तीसरा है यहां पे कि वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो और वह स्त्री जिसका पति विदेश चला गया हो, दोनों एक जैसे हैं तो इसमें से क्या होगा? देखिए वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो उसे कहते हैं पर्वत से पतिका, और विदेश चला गया हो उसे कहते हैं प्रेषित पतिका। तो ध्यान रखना काफी कंफ्यूजिंग है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो प्रेषित पतिका यानी वह स्त्री जिसका पति विदेश चला गया हो, और वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो यानी गया नहीं है अब जाने वाला है उसे कहते हैं पर्वत से पतिका। और फिर यहां पे पांचवा है कि वह स्त्री जिसके पति ने उसे त्याग दिया हो तो उसे क्या कहेंगे? जिसके पति ने त्याग दिया हो उसे कहते हैं परित्यक्ता। अब देखिए दोस्तों इन्हें एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेना, आपको काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे एक चीज आपको बताना चाहूंगा, दिशा संबंधी शब्द जो बार बार आपको पूछे जाते हैं। देखिए दिशा संबंधी जब हम बात कर रहे हैं तो जैसे आप सभी जानते हैं ये हो गई हमारी दिशा, यानी ये हो गया पूर्व, पश्चिम, उत्तर, और ये हो गया दक्षिण। तो आप पूछोगे कि ये इतना सरल हमें तो सभी को मालूम है क्यों बता रहे हैं? देखिए दोस्तों हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है और काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको दिया गया यहां पे, और हिंदी में काफी इंपॉर्टेंट होता है इसलिए दोस्तों आपको दिया गया है यहां पे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए उत्तर पूर्व दिशा की बात कर रहे हैं, यानी ये वाली दिशा, यानी यहां से लेकर यहां तक की जो दिशा है, प्रश्न कैसे बनेगा? प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा कि उत्तर पूर्व दिशा के लिए एक शब्द क्या है, उत्तर पूर्व दिशा या फिर पूर्व उत्तर दिशा के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो एक शब्द क्या है? तो इसे कहते हैं ईशान। क्या कहते हैं? ईशान। क्या कहेंगे? ईशान। तो ध्यान रखना दोस्तों ईशान क्या होता है? ईशान का मतलब होता है जो उत्तर पूर्व की दिशा है उसे कहते हैं ईशान। यहीं पर अगर बात करते हैं इस दिशा की ओर, यानी यहां से लेकर यहां तक पूर्व दक्षिण दिशा की ओर, तो देखिए पूर्व दक्षिण दिशा की ओर इसके लिए जो एक शब्द है वह शब्द है आग्नेय। क्या कहते हैं? आग्नेय। प्रश्न पूछा जाएगा कि दक्षिण पूर्व दिशा के लिए एक शब्द क्या है, तो उसे कहते हैं आग्नेय। और यहीं पर अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि यहां पे इस दिशा की ओर यानी पश्चिम उत्तर दक्षिण की ओर यानी उत्तर पश्चिम दिशा की ओर, तो इसके लिए जो एक शब्द है दोस्तों वो आपको ध्यान रखना है वो है वायव्य। वायव्य, तो इसे कहते हैं वायव्य। और यहीं पर आपको पश्चिम और दक्षिण दिशा की ओर पूछा जाए तब आपको ध्यान रखना है इसे कहते हैं नेत्रिव्य, नेरिव्य यानी नेरित्य, नेरित्य लिखते हैं, सॉरी यहां पे ऐसा लिखा जाता है नेरित्य। देखिए नेरित्य, नेरित्य, तो नेरित्य ऐसा लिखा जाएगा, तो इसे कहते हैं नेरित्य। तो ध्यान रखना पश्चिम और दक्षिण दिशा के लिए एक शब्द है नेरित्य, पश्चिम और उत्तर दिशा के लिए वायव्य, और उत्तर पूर्व के लिए ईशान, और पूर्व और दक्षिण के लिए एक शब्द है आग्नेय। तो आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो। आपको क्या ध्यान रखना है? देखिए तो जैसे इसे आपने एन लिख दिया, इसे ए लिख दिया, तो एन ए सामान्यतः हम लिखते हैं ना एन ए ऐसे लिखते हैं, तो एन ए हम जब ऐसे लिखते हैं तो आपको ये नीचे साइड पे लिखना है, तो एन ए इधर आ जाएगा। और फिर यहीं पर अगर बात करें जैसे ये हो गया एन ए, और फिर यहां पर आपको लिखना है जैसे ये हो गया, यहां पर आप सबसे वी लिख सकते हैं, और वी और ई, तो वी ई यानी पॉजिटिव हो गया साइन, और यहां पर नेगेटिव साइन है ना, तो एन ए वी ई। तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, ये हो गया नैऋत्य, ये हो गया यहाँ पे आग्नेय, यहाँ पे हो गया ईशान, और यहाँ पे हो गया वायव्य। तो दिशा संबंधी शब्द ये भी काफी बार पूछे जाते हैं और काफी इंपॉर्टेंट है। फिर है यहाँ पे शुद्ध शब्द। अब हम यहाँ पे जो सात जो शुद्ध शब्द हैं इसे याद करते हैं। देखिए दोस्तों शुद्ध शब्द आपको पूछा गया है, तो यहाँ पर है जैसे पक्षी वृंद और पक्ष वृंद, तो बताइए जरा एक में कौन सा सही होगा, ए बी सी, कौन सा इसमें से सही होगा? तो देखिए दोस्तों आप कमेंट दीजिए, कमेंट में आंसर दीजिए ए बी सी सही कौन सा होगा।
तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर जो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है पक्षी वृंद, ये बिल्कुल सही है। और फिर इसका दीजिए पहले स्वामी भक्त, स्वामी भक्त, स्वामी भक्ति, कौन सा सही होगा? तो इसका आंसर की बात करें तो यह है स्वामी भक्त। अब देखिए दोस्तों यहां पे एक कॉन्सेप्ट आप समझिए कि कहीं पर भी जहां पर भी आपको समूहवाचक शब्द ऐसे दिखाई दे, जैसे वृंद शब्द हो गया, वृंद समूह को इंगित करता है। गढ़ की बात करें तो गढ़ भी क्या करता है, समूह को इंगित करता है। परिषद की बात करें तो परिषद भी एक समूह को इंगित करता है। और भक्त की बात करें तो भक्त भी लगभग क्या, एक समूह की ओर इंगित करता है। तो जहां पर भी आपको यह तीनों या यह चारों इस प्रकार के शब्द आपको दिखाई देते हैं, तो इन शब्दों की एक खासियत होती है कि जो इसके पहले जो मात्राएं लगती है, जैसे बड़ी ई की मात्रा, ये इसे हमेशा छोटी कर देते हैं। क्या कर देते हैं, छोटी कर देते हैं। तो ध्यान देना, जैसे पक्षी वृंद है, तो पक्षी वृंद के लिए क्या लिखा, देखो पक्षी तो ऐसा लिखा जाता है ना बड़ी की मात्रा में, छोटी की थोड़ी नहीं आती। और वृंद हमने जब इसमें जोड़ा तो वृंद जोड़ने के बाद ये क्या बना, पक्षी वृंद बना, यानी छोटा वाला ई की मात्रा बनी। सेम यहां पर भी स्वामी बड़ी की मात्रा आती है, भक्त लगा तो ये छोटी की मात्रा हो गई, स्वामी भक्त हो गया। और फिर यहीं पर एक एग्जांपल आपने कई बार देखा होगा, जैसे ये होता है मंत्रिपरिषद। देखिए ये है दोस्तों मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद, और आप सभी समझते हैं कि मंत्रिपरिषद तो बिल्कुल ऐसा ही लिखा जाता है। जी हाँ, ऐसा ही लिखा जाता है। लेकिन आप यह भी समझते हैं मंत्री तो हम क्या लिखते हैं, मंत्री तो ऐसा लिखा जाता है और परिषद तो ऐसा लिखा जाता है। तो यहां पे भी बड़ी की मात्रा है, तो यहां पे छोटी कैसे हो गया? तो देखिए दोस्तों यही कारण है, कहीं पर भी आपको परिषद शब्द, वृंद शब्द, गण शब्द, भक्त शब्द दिखाई दे, तो उससे पहले वाली जो मात्रा है, बड़ी की मात्रा है, वो हमेशा छोटी हो जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना, शायद आपके और भी जो प्रश्न इस प्रकार के दिखाई दे वो आपको क्लियर हो जाएंगे। तो यहां पर दो ये हो गए। तीसरे की बात करते हैं, यह है तत्वधान, तत्वधान, तत्वधन या फिर तत्वधान, बताइए जरा कौन सा सही होगा। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, जरा बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यहां पे जो आपको तत्वधान दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही है। देखिए यहां पे डबल ता की मात्रा है, एक डबल ता दिखाई दे रहा है ना आपको, डबल ता की मात्रा, तो यहां पे ऐसी मात्रा यानी आधा ता, फिर आधा ता और फिर वा, तो ये वाली ता की मात्रा है इसमें, ध्यान रखना ये सही है। अगर यहां पे सिंपल ये वाली होगा तो ये क्या होगा, गलत होगा। तो तत्व, तत्व, ता, आधा ता भी है इसमें, यानी दो आधे ता फिर वा। तीसरा है यहां पे, चौथा है कि चौथा है सरोजनी, सरोजिनी, सरोजिनी या फिर सरोजनी, तो बताइए जरा, काफी अच्छा शब्द है, इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर मिलेगा आपको सरोजिनी, यानी ऑप्शन नंबर आपको बी दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल सही है। और यही पूछा जाता है, लिखने के लिए तो साधारण से दिख रहा है कि इतना साधारण शब्द है, लेकिन जब ऑप्शन आते हैं तो कंफ्यूज हो जाता है। तो ऐसे कंफ्यूज ना हो इसलिए आप यहीं पर क्लियर करो, सरोजिनी बिल्कुल सही लिखते हैं। फिर यहां पे द्वारका, द्वारिका, तो देखिए यह वाला जो शब्द है द्वारका बिल्कुल सही है, और यह जो शब्द है गलत है। देखिए यहां पे जैसे हम टाइपिंग करते हैं तो सॉफ्टवेयर में ऐसा लिखा जाता है, अगर आप ऐसे लिखे जैसे यह होता है द्वारका, है ना, द्वारका, और एक है द्वारिका, क्या है द्वारिका, तो कौन सा सही है, यह गलत है, यह सही है। क्योंकि दोस्तों जो ई की मात्रा है यह अनावश्यक रूप से है, द्वारका उच्चारण सही है, द्वारिका नहीं, द्वारका, आ से द्वारिका नहीं कहना, द्वारका कहना है। और यहीं पर अगर बात करें छठे की, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, साहित्यिक, साहित्यिक या साहित्यायिक, तो कौन सा होगा, तो यह तो सही है, सरल है, साहित्यिक होगा। और रचयिता की बात करें तो यही इसका सही होगा, यानी रचयिता, रचयिता, तो रचयिता बिल्कुल यहां पर सही होगा। तो ध्यान रखना यह हो गया। तो दोस्तों शुद्ध शब्द ये हो गए। तो अब बात करते हैं अरबी भाषा के शब्द। देखिए दोस्तों हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि हम आपको अरबी भाषा के अगली क्लास में इंपॉर्टेंट शब्द नहीं देंगे और नहीं देंगे, यह इसलिए कि हम आपको याद कराना चाहते हैं। कल की क्लास में एक बार और आपको अरबी भाषा के शब्द देंगे और वह लास्ट क्लास होगी अरबी भाषा की, और उसके बाद अगली क्लास में आपको अरबी भाषा के एमसीक्यूज के माध्यम से थोड़ा टेस्ट लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ और भाषा के शब्द देंगे और फिर उसके बाद जो भी होगा तो आपको याद भी हो जाएगा, है ना। तो फिलहाल बात करते हैं अरबी भाषा के शब्द की। देखिए अरबी भाषा के जब हम शब्द की बात कर रहे हैं तो पिछली दो क्लासेस में हमने पढ़ा था, या दो तीन क्लासेस में हमने पढ़ा था, तीन क्लासेस में, कि इज्जत, आदमी, इमारत, इनाम, अजीब और अक्ल, ये सभी किस भाषा के हैं, अरबी भाषा के हैं। और इन्हें याद करने के दोस्तों हमने आपको ट्रिक बताई थी कि अजीब आदत है आदमी की, इज्जत, इनाम और इमारत अक्ल से नहीं चाहता। और इसके अलावा दोस्तों कुछ और भी महत्वपूर्ण शब्द है जो बार बार पूछे जाते हैं, और इसे याद कराने के लिए हमने आपको एक वाक्य बताया था कि मशहूर वकील था कोई, जिसने क्या किया, अदालत में गया, शराब पीकर गया, और उसने गरीब का मुकदमा लड़ा। लेकिन यहाँ पे जो अमीर आदमी था, जो अमीर जज था, वो नाराज हो गया, उसने अखबार पढ़ा और उसे अगले मानसून की तारीख दे दी। तो यहां से आप इसे आसानी से याद कर सकते हो, अरबी भाषा के शब्द। और एक लास्ट आपको बताया था यहाँ पे कि
हिम्मत हौसला कर्ज तमाम ख्याल दुनिया जो ये शब्द है इसे याद करने की भी आपको एक वाक्य बताया था। देखिए वाक्य क्या था कि हौसला हिम्मत हो तो जो अरब देशों का जो तमाम कर्ज है वह भी चुकता हो जाएगा, लेकिन उससे पहले खुद का ख्याल रखना होगा क्योंकि दुनिया का तो क्या है, वो मुसाफिरों को मजबूर करती रहती है और मशहूर करती रहती है। तो यह दोस्तों अरबी भाषा के शब्द थे, याद करने की ट्रिक हमने आपको बताई थी। हमारा काम है दोस्तों आपको याद कराना, और याद हम कराएंगे ट्रिक के माध्यम से कराएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न के माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से आपको याद कराएंगे, बस हम आपको कराएंगे। लेकिन दोस्तों आपका सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जितना हो सके उतना जरूर करें। तो फिलहाल दोस्तों आज की क्लास में इतना ही है, मिलते हैं आपको नई वीडियो में दूसरी क्लास में 5000 MCQs की क्लास में। तो जय हिंद दोस्तों, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि,